हे गाइस, क्या आप जानते हो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कितना ज्यादा फर्क होता है? ब्रिटेन वाले कुछ और बोलते हैं, अमेरिकन वाले कुछ और बोलते हैं। चलिए आइए, इसी से जुड़े हुए मैं आपको आज सात वर्ड मीनिंग के बारे में बताता हूँ कि ब्रिटेन वाले उसको क्या बोलते हैं और अमेरिकन वाले उस चीज को क्या बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास बिस्कुट। बिस्किट को ब्रिटिश वाले बोलते हैं बिस्किट, और बिस्किट को अमेरिका वाले बोलते हैं कुकी। सेकेंड है हमारा प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य को ब्रिटेन वाले बोलते हैं हेडमास्टर, और उसी प्रधानाचार्य को अमेरिका वाले बोलते हैं प्रिंसिपल। नंबर तीन पे है हमारे पास पिन कोड, जो हमारे एरिया का होता है। पिन कोड को ब्रिटिश वाले बोलते हैं पिन कोड, और उसी पिन कोड को अमेरिका में बोला जाता है जिप कोड। नंबर चार है हमारे पास, जब हमारे यहाँ पर आधी छुट्टी होती है तो आधी छुट्टी को ब्रिटेन वाले बोलते हैं ब्रेक टाइम, और उसी आधी छुट्टी को अमेरिका में बोला जाता है रिसेस। नंबर पांच है हमारे पास, जब हम अपनी गाड़ियों में या बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल को ब्रिटेन वाले बोलते हैं पेट्रोल, और उसी पेट्रोल को अमेरिका में बोला जाता है गैस। ठीक है, इसके छठा वर्ड है हमारे पास मक्का। मक्का को ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? मेज। और उसी मक्का को अमेरिका में क्या बोला जाता है? कॉर्न। ठीक है गाइस, इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड है, जैसे लिफ्ट। ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? लिफ्ट। और उसी लिफ्ट को अमेरिका में क्या बोला जाता है? एलिवेटर। है ना कमाल की जानकारी। अगर आपने इसी तरह की जानकारी हासिल करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। थैंक यू।